नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीता धाकड़ और मेरे चैनल ब्लेजिंग स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे की चटपटी मसालेदार मठरी, जिन्हें आप सुबह शाम चाय के साथ नाश्ते में खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं और यदि घर पर कोई गेस्ट आ जाए तो उन्हें भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। मठरी बनाने के लिए हम लेंगे 500 ग्राम गेहूँ का आटा, 100 ग्राम तेल, तेल हम सारा यूज़ नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही यूज़ करेंगे, 15-20 करी पत्ते लिए हैं और इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है, आधा चम्मच लिया है अजवाइन, अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और स्वाद के अनुसार लेंगे नमक, ये मैंने आधा चम्मच से ज़्यादा लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब हम गूंदेंगे आटा। आटा गूंदने के लिए कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए, मैंने परात ली है। अब इसमें डाल देंगे आटा, करी पत्ता, अजवाइन, अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और सबसे लास्ट में डालेंगे हम तेल। तेल हम आधा ही डालेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में और ले लेंगे, और इन सबको अच्छे से मिलाते हुए हम हाथों से रगड़ते हुए आटे को एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा तेल और ले लेंगे, तेल अभी थोड़ा कम है, और आटे को अच्छे से रगड़ेंगे। ये आटा हमारा बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए आटा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको पानी से गूंद लेते हैं। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जिससे कि हमारा आटा एकदम टाइट गूंदे, हिला ना हो। आटे को हमें एकदम टाइट गूंदना है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, मुझे आपके सजेशन का इंतज़ार रहेगा। ये हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है। अब हम इस आटे की लोइयां बना लेते हैं। हमें इस आटे की बड़ी बड़ी लोइयां बनानी हैं। हम इस तरीके से अपनी सारी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए हमारी लोई बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हमें सारी लोइयां बनानी हैं। ये हमारी लोइयां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम लोइयों को बेल लेते हैं। हमें इन्हें मोटा मोटा बेलना है, एकदम पतला नहीं बेलना है। आप एक बार घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये बहुत पसंद आएंगी। ये हमारी बिलकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये मोटी बेली है, एकदम पतली नहीं है। अब हम इनको काट लेते हैं। मैं इनको पतला पतला काट रही हूँ, आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। इधर से लंबा लंबा काट रही हूँ, आप चाहे तो छोटा भी काट सकते हैं। ये देखिए कटकर इस तरह की तैयार हो गई हैं। ये हमने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे मटरियाँ। ये हमने मटरियाँ डाल दी हैं। अब हम इनको बीच बीच में पलटते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी सिक रही हैं। ये हमारी मटरियाँ गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये हमारी मटरियाँ बहुत अच्छी सिकी हैं, देखिए। इसी तरीके से हमने सारी मटरियाँ सेक कर तैयार कर ली हैं। देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं और खाने में भी उतनी ही अच्छी होंगी। अब इसी कढ़ाई में हम कड़ी पत्ता को सेक लेते हैं। ये हमने कड़ी पत्ता भी सेक लिए हैं। अब हम मिलाएंगे मटरियों में मसाला। मसाला मिलाने के लिए मटरियों को हमने एक बड़े बर्तन में ले लिया है। अब इसमें डालेंगे हम काला नमक। काला नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं इसमें 1/4 चम्मच डाल रही हूँ। और डालेंगे इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 1/4 चम्मच ही लिया है।
और लास्ट में जो हमने कड़ी पत्ता सेके थे वो इसमें बारीक बारीक करके डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा मसाला मिलकर तैयार हो चुका है। ये हमारी चटपटी, टेस्टी और क्रंची मठरी बनकर एकदम तैयार हो चुकी हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।